नमस्कार दोस्तों ये न्यू मीडिया वाले क्वेश्चन की पार्ट टू की वीडियो है तो इसमें देखते हैं हम कि न्यू मीडिया के बारे में और क्या क्या चीजें हमें बताई गई हैं। इन गईन आर लाइव आर बींग टेकन ओवर बाई द इंटरनेट फैसिलिटीज इट इज एविडेंट दैट दी कॉम्युनिकेटेड विद द मास है इसमें बताया है कि अगर हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमारी इंटरनेट फैसिलिटीज को हटा दिया जाए तो हमारा जो बात करने का कम्युनिकेट करने का तरीका है वो भी बहुत ज्यादा बदल जाएगा द ट्रेडिशनल मीडिया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज प्रिंट मीडिया एज वेल एज ऑडियो विजुअल मीडिया हैड टू गो थ्रू इमेंस चेंजेस एंड रीड जस्ट एंड मोडिफाई दें बिकॉज ऑफ एडवेंट ऑफ मीडिया विच इज इंटरनेट बेस्ड जो ट्रेडिशनल मीडिया था जो प्रिंट मीडिया था पहले का मीडिया एक तो स्लो हुआ करता था दूसरा उसके अंदर कम्युनिकेशन जो होता था वो बहुत कम हो पाता था क्योंकि बहुत कम लोगों के पास उस जमाने में टीवी हुआ करता था बट जब से इंटरनेट आया है तब से मीडिया एडवांस हो गया है ये मीडिया जो है और ज्यादा मॉडिफाई हो गया है बढ़ गया है और अब हर आदमी के पास इसका एक्सेस इजीली हो जाता है पीपल प्रेफर न्यू मीडिया एज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल वन

और ये मास कम्युनिकेशन मीडिया है जिसको साइबर मीडिया भी बोला जा सकता है साइबर यानी जो इंटरनेट से चलता हो साइबर फैसिलिटीज रखता हो बट दे आर आल्सो पार्टिसिपेंट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन मैसेजेस एंड इवन ऑडियो विजुअल मटेरियल्स इसके अंदर आप इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं मैसेज भेज सकते हैं हालांकि ऑडियो और वीडियो यानी दोनों ही तरीके के आप मैसेजेस भेज सकते हैं अगर आपको किसी को ये मैसेजेस भेजने हैं या किसी से कम्युनिकेट करना है इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट द साइबर मीडिया हैज बिकम मोस्ट पॉपुलर मीडिया डेज एंड इज हैल्सो मेकिंग अदर मीडिया थिंक एंड इवॉल्व इनोवेटिव वेज टू रीच द मास साइबर मीडिया ने बहुत जल्दी पॉपुलरिटी अपना ली है क्योंकि ये इंटरनेट से चलता है तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है एज कंपेयर टू न्यूज पेपर और जो न्यूज news आपको न्यूज में आज की घटना कल मिलेगी साइबर मीडिया में वो घटना आपको कुछ ही घंटों या मिनटों में मिल जाती है तो अब पुराने वाले मीडिया को ये सोचना है कि वो किस तरीके से अपने आप को इवॉल्व करें यानी बदले और इस मीडिया के ऊपर अपनी पकड़ बनाए इन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कॉमन पीपल मेयरली गेट टू नो अबाउट द थिंग्स एंड एंटरटेनिंग स्टफ

और कॉस्ट लगेगी कहीं ना कहीं न्यू मीडिया उस कॉस्ट और टाइम को बचाता है ये पैसिवली बहुत एक्सेप्ट है to them, किसी को भी अगर आप दिखाओगे तो उसके लिए एंटरटेनिंग भी है क्योंकि ये नए तरीके का मीडिया है इसमें कलर्स होते हैं ऑडियो होती है विजुअल्स होते हैं इसमें पूरी एनिमेशन डाली जाती है जो कि सामने वाले को अपनी ओर अटेंशन करने के लिए बहुत जरूरी है इन मोस्ट केसेस इफ यू डिस दैट इज बींग इन्फॉर्म्ड और रिपोर्टेड इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वी आर इन नो पोजिशन टू गिव आवर फीडबैक और प्रिंट मीडिया का सबसे बड़ा डीमेरिट यही था अगर कोई न्यूज गलत प्रिंट हो गई है या किसी चीज के बारे में गलत इंफॉर्मेशन हो गई है तो उसका फीडबैक पहुँचाने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता था या कभी कभार उस फीडबैक को पहुंचा ही नहीं पाते थे लोग तो आज की मीडिया में जो प्रिंट मीडिया है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गई है जिसकी वजह से लोग प्रिंट मीडिया से साइबर मीडिया पर आ गए हैं इसमें फीडबैक पहुंचाना बहुत इजी है जो न्यूज आपकी लाइव चल रही है वो भी यूट्यूब पर लोग देख रहे हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उस न्यूज के बारे में पूछ भी सकते हो उस न्यूज से रिलेटेड चीजें भी जान सकते हो

कोई चीज गलत लगती है और आप उसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप अपनी बात उन तक पहुंचा पाओ लेकिन साइबर मीडिया में आपको नीचे फीडबैक का या रिपोर्ट का ऑप्शन मिलता है अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एज अ फीडबैक काम करता है और वहां पर जाकर इफेक्टिव होता है बट इफ द सेम शो इज अपलोडेड इन यूट्यूब एंड यू वॉच द शो देयर अगर ऐसा ही शो जैसा की मैंने ऊपर बताया यूट्यूब पर अपलोड होता है यू मे चूज टू कमेंट ऑन द शो देर इंस्टेंटलेसली विच इज द बेस्ट वे टू रीच द मेकर ऑफ द शो अबाउट वॉट यू और अदर पीपल थिंक अबाउट इसलिए है ये फायदेमंद क्योंकि जब आप यूट्यूब पर कोई शो देख रहे हैं और आपको वो चीज पसंद नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में उस चीज को इंस्टेंट डाल सकते हैं और जो शो को बनाने वाले हैं वो आपके कमेंट पढ़कर समझ सकते हैं कि आपका पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है उस शो की तरफ डेट एवर टेलीकास्ट इन प्रिंट एंड विजुअल मीडिया इज ऑल्सो पुट अप ऑन द साइबर मीडिया आज की दुनिया में जो भी चीज आपको न्यूज और टीवी पर देखने को मिलेगी वो आपको न्यू मीडिया यानी साइबर मीडिया में जरूर देखने को मिलेगी बिकॉज

तुरंत अल्टर कर सकते हैं इंटरनेट ने आज की दुनिया को बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है साइबर मीडिया यही एडवांटेजेस है अपॉर्चुनिटी टू बी क्रिएटिव एंड मच मोर क्रिटिकल ऑफ द डिफरेंट मास कम्युनिकेटिव प्रैक्टिस गोइंग ऑन इसी मीडिया की वजह से अब जो लोग हैं जो क्रिएटर्स हैं जो लोग वीडियोस क्रिएट करते हैं वो लोग भी आसपास की घटना को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं जिसकी वजह से इजीली इंफॉर्मेशन सबके पास अवेलेबल हो जाती है क्योंकि सब जगह प्रिंट मीडिया का पहुंचना पॉसिबल कभी कभी कभार नहीं हो पाता इट इज ऑल्सो ट्रू एट दैट ऑफ गेट कीपिंग इन द साइबर मीडिया देर फॉर ऑफ एन ऑफ स्प्यूरियस कंटेंट एंड अपलोडेड इन द इंटरनेट विच में कॉज हार्डशिप टू द रेसिपेंट ऑन कंटेंट कभी कभार लोग जो हैं साइबर मीडिया में इस तरीके की चीजें भी अपलोड कर देते हैं जिसकी वजह से सोशली या मेंटली लोगों के ऊपर गलत असर जाता है उन चीजों को रोकने के लिए भी साइबर मीडिया जो है वो बहुत अच्छा काम करता है कि अगर कोई वीडियो जो गलत अपलोड हो गई है या जिसकी वजह से कोई गलत इफेक्ट पड़ सकता है सोसाइटी के ऊपर इंटरनेट उसको तुरंत ही वहां से रिमूव कर देता है वेबर मीडिया किसी को भी किसी भी तरह की वीडियो डालने से पहले बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके की वीडियो डाल रहे हैं और उस वीडियो का आपके ऊपर क्या असर होगा या लोगों पर क्या असर होगा और लोगों का फीडबैक आपकी तरफ कैसा होगा थैंक यू ये आंसर पूरा हुआ इस वीडियो में इतना ही